जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे मशीनरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ओपन कास्ट माइंस में धड़ल्ले से यूज होता है, यानी कि इस मशीन का जो यूज़ है वो फ्रीक्वेंटली लार्ज नंबर पे किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग को कंप्लीट डिटेल्स में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डम्फर के बारे में कि डम्फर में कितने तरह के ब्रेक्स होते हैं, कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स होते हैं, क्या सेफ्टी डिवाइस होता है, यह कैसे काम कर पाता है। साथ ही साथ हम लोग डम्फर के रिगार्डिंग जो भी आपके CIL के सब्सिडरी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को भी हम लोग देखेंगे ताकि हमारा जो गिरीपअप है डम्फर के रिगार्डिंग वो क्लियर हो पाए। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का आपको अपडेट्स मिलता रहे। और हाँ, इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। ये हम लोग इसके पार्ट्स को देख लेते हैं ताकि हमको इसके बारे में समझने में आसानी हो। दोस्तों, डम्फर को हम लोग हॉल पेक के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसको ट्रिपर के नाम से भी जाना जाता है। यदि डम्फर का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा, बड़ा साइज का होगा, तो हम लोग उस डम्फर को हॉल पेक के नाम से जानते हैं। वहीं अगर डम्फर का जो साइज़ है वो छोटा होगा तो उसको हम लोग ट्रिपर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग इस रियलिस्टिक डायग्राम का बात करें तो ये जो मशीनरी आप देख रहे हो, इस मशीनरी का नाम डम्फर हो है इस मशीनरी का नाम डम्फर है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो टायर्स होते हैं वो आपका हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं और इस टायर्स का जो बात है तो ये जो टायर्स होते हैं वो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। यहाँ पे आपका इंजन लगा होता है, जो इंजन आपका ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट होता है, यही ड्राइव शाफ्ट आपका रोटेट करता है। और इस मशीन में चढ़ने के लिए आपका लेडर दिया हुआ रहता है और इस मशीन में एक आपका चेचिस लगा होता है, जस्ट टायर के ऊपर में आपका चेचिस होता है और उसी चेचिस पे आपका ये मेन बॉडी होता है वो अटैच होता है। और यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो ये आपका ऑपरेटर केबिन हो गया है, चूँकि यहाँ पे ऑपरेटर बैठते हैं इसलिए इस केबिन को हम लोग ऑपरेटर केबिन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटर केबिन के जस्ट ऊपर में ये जो पार्ट देख रहे हो उसको हम लोग कैनोपी के नाम से जानते हैं, ये जो पार्ट हो गया उसको हम लोग कैनोपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कैनोपी देने का एक ही रीज़न है, क्योंकि जब भी हमारा जो सोवेल है वो अपने बकेट से इसके बॉडी में डिस्चार्ज करेगा कुल या फिर ओवरबर्डन को, तो जो भी आपका बड़े बड़े बोल्डर साइज होंगे, बोल्डर के पीसेस होंगे, वो आपका डायरेक्टली हिट कर सकता है ऑपरेटर को। इसलिए उसके बचाव के लिए यहाँ पे कैनोपी दिया गया है ताकि जो भी आपका सोवेल का बकेट है उससे यदि इसके बॉडी में कोई भी मटेरियल्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो मशीनरी है वो आपका बेसिकली या तो कोल को ट्रांसपोर्ट करेगी या तो वो ओवरबर्डन को करेगी। तो हम मेरा कहने का मतलब है कि बड़े बड़े बोल्डर के साइज के पीसेस वो ऑपरेटर को हिट ना कर दे उसके बचाव के लिए बेसिकली कैनोपी दिया हुआ रहता है। दोस्तों, ये जो मशीनरी आप देख रहे हो, जब इसका जो बॉडी है वो फील हो जाता है ओवरबर्डन या फिर कोल से, तो इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो चूंकि डिस्चार्ज करने के लिए इस बॉडी को उठाना पड़ता है, उठाने के लिए यहाँ पे एक होस्ट रैम दिया हुआ रहता है जो बेसिकली आपका सिलेंडर्स होते हैं, वही सिलेंडर्स आपके इस जो डाला हो गया इसको उठा देता है ताकि जो भी इसमें मटेरियल फील था उसको वो अनलोड कर पाए। तो यहाँ तक आपने समझा, मैं उम्मीद करता हूँ। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखें, ये आपका डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल का मेनली काम क्या है कि जब मशीन को किसी कर्व में मूव करवाना होता है तो अलग अलग इनके जो टायर्स होते हैं उस पर अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करने का काम बेसिकली आपका डिफरेंशियल का होता है। जब इन दोनों टायर्स में आपका अलग अलग स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको उसी के हेल्प से आपका जो कर्व है उसमें ये मशीन इजीली मूव कर पाएगा, टर्न कर पाएगा। यहाँ पे ये हो गए आपके ट्यूबलेस टायर्स, ये आपका मेन बॉडी हो गया, यहाँ पे ऑपरेटर्स केबिन हो गया, यहीं पे ऑपरेटर बैठते हैं, ये मशीन
ऑपरेटर केबिन तक पहुंचने के लिए आपका लेडर लगा होता है, इसी से चढ़ के वहाँ तक पहुँचा जाता है। ये आपका डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल के जस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट्स होता है वहाँ पे चेचिस लगा होता है। और इसके आपने पहले देखा कि इसमें इंजन होता है, जो इंजन आपका ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट होता है, वही ड्राइव शाफ्ट आपका इसका रोटेट करता है। दोस्तों यहाँ पे इस फिगर में तो दिख नहीं रहा है, यहीं पे आपका होस्ट रैम लगा होता है जो इस के बॉडी को उठा देता है, ताकि इसका इसमें यदि कोई भी कोल या फिर ओवरबर्डन लोड है तो उसको वो अनलोड कर सके। यहाँ पे आप रियलिस्टिक डायग्राम को देखें दोस्तों, ये जो डम्फर है और ये आपका सोवेल है, रोप सोवेल है। जब सोवेल अपने बाकेट को इस पे पटक रहा है तो बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन होता है, जिस कारण से इसको हेवी बनाया जाता है, ताकि इस वाइब्रेशन को वो इजीली सस्टेन कर पाए, ये जो मशीनरी है वो सस्टेन कर पाए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो रोप सोवेल है, रोप सोवेल आपका कोल को इसके बॉडी में फिल कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में समझते हैं कि डम्फर का सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला है आपका इसमें सर्विस ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, पार्किंग ब्रेक्स, इमरजेंसी ब्रेक, पांच तरह के ब्रेक्स डम्फर्स में दिए गए होते हैं एज अ सेफ्टी फीचर्स के रूप में। और आपका सेकेंड है ऑडियो विजुअल अलार्म, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ABA के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो आपका बेसिकली प्री वार्निंग सिग्नल्स वो देता है, कुछ आप सुनोगे कि टूं ऐसे कुछ करता है, तो उसी को हम लोग ऑडियो विजुअल अलार्म करते हैं। ताकि क्या होता है कि ये जो अलार्म है उसको सुनने के बाद जो भी मशीनरी के आसपास में कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो वहाँ से हट जाए, इसलिए इसमें आपका ऑडियो विजुअल अलार्म लगा होता है। वहीं नेक्स्ट है आपका रियर व्यू मिरर, इसमें लगा होता है। साथ ही साथ एक आपका ब्लाइंडेड स्पॉट मिरर होता है, जहाँ पे हम लोग जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको अगर दिख नहीं पा रहा वैसा जगह जहाँ पे दिख नहीं पा रहा, तो उसको देखने के लिए एक वहाँ पे स्पॉट मिरर होता है, उसी को हम लोग ब्लाइंडेड स्पॉट मिरर के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट है आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर। जब ऑपरेटर अपना सीट बेल्ट को नहीं पहनता है तो वो सीट बेल्ट रिमाइंडर वहाँ पे लगा होता है, जो उस ऑपरेटर को इंश्योर करता है कि आप जो सीट है बेल्ट है उसको पहन लें। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। दोस्तों प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस एक आपका सेफ्टी फीचर्स है, जो क्या करता है कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे व्हीकल्स है और एक यहाँ पे कोई दूसरा व्हीकल्स है, दोनों आपस में लड़ ना जाए उसको बचाव के लिए ये आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस लगा होता है। और साथ ही साथ यदि इस मशीन का यदि ये जो मशीन है इसके आमने सामने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको भी वो वार्न करता है कि यदि सपोज़ यहाँ पे एक वाल आ जाता है तो उस वाल में ये मशीन टकरा सकता है, इसलिए उसको बचाव के लिए एक प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है जो उसको वार्न कर देता है कि आपके आगे में वाल है। और यदि यहीं पे कोई भी व्हीकल्स होगा जो पीछे से इस व्हीकल्स के पीछे में आ रहा है तो हो सकता है वो व्हीकल्स कोलाइड कर ले, तो उसके लिए उसके बचाव के लिए एक आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस लगा होता है डम्फर में। और यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेक। दोस्तों डम्फर में मेनली आपके पांच तरह के ब्रेक्स लगे होते हैं। एक आपका सर्विस ब्रेक होता है, दूसरा आपका पार्किंग ब्रेक होता है, तीसरा आपका रिटार्डर ब्रेक होता है, चौथा आपका डम्प ब्रेक होता है और नेक्स्ट आपका इमरजेंसी ब्रेक होता है। तो कुल मिला के पांच तरह के ब्रेक्स को हम लोग को देखने को मिलता है ऑन डम्फर। दोस्तों सर्विस ब्रेक का हम लोग यूज़ जब मशीन मूव करता है तो उस मशीन को रोकने के लिए हम लोग सर्विस ब्रेक का यूज़ करते हैं। मेनली आप कह सकते हो कि चलते डम्फर को रोकने के लिए सर्विस ब्रेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्किंग ब्रेक। दोस्तों जब भी हम लोग मशीन को पार्क कर देते हैं कहीं पे भी तो इस मशीन का जो मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए, यदि मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग उस कह सकते हैं कि इस मशीन का जो पार्किंग ब्रेक है वो फेल हो गया है। तो रुके हुए डम्फर को
स्थिर स्टेबल करने के लिए पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिटार्डर ब्रेक। दोस्तों यदि कोई भी ये आपका देखें, ये जो रोडवे है वो आपका इंक्लिनेशन इस रोडवे का ज़्यादा है, तो यदि यहाँ पे ये मशीनरी अगर आपका इक्विप्ड है तो जब मशीन इस जो हाई इंक्लिनेशन पे जब मूव करेगा, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो क्या करेगा कि ये रिटार्डर ब्रेक का यूज़, आप जानते हैं कि जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका स्पीड वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो ढालू नुमा रोडवे है, इसलिए इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसको रोकने के लिए एक आपका रिटार्डर ब्रेक्स होता है, जो आप कह सकते हैं कि ढालू रोड पर उतरते डंपर की गति को घटाने के लिए रिटार्डर ब्रेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डंप ब्रेक। दोस्तों जब भी हम लोग को माल को डंप करना होता है तो उस टाइम में हम लोग डंप ब्रेक का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो मशीन है वो स्टेबल हो पाए, ज़्यादा हिल डोल ना करे। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी का नाम से आप जान सकते हैं कि इमरजेंसी के कंडीशन में इस इमरजेंसी ब्रेक का हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक, ये जो दोनों ब्रेक्स हैं उसको टेस्टिंग किया जाता है। DGMS सर्कुलर में इसके टेस्टिंग के बारे में दिया गया है। इन सभी ब्रेक्स को हर 15 डेज के इंटरवल पे टेस्ट किया जाता है। मेनली आपका जो टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है वो आपका बेसिकली सर्विस ब्रेक का और पार्किंग ब्रेक के बारे में ही आपका DGMS सर्कुलर में दिया हुआ है। इन तीनों ब्रेक्स को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं सर्विस ब्रेक को कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सर्विस ब्रेक को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि मशीन को, ये जो मशीन है आपका, उसको 30 किलोमीटर 30 km/h के स्पीड से रन करवाते हैं और अचानक से उसमें ब्रेक मारते हैं। यदि मशीन ये रन कर रही है और यहाँ पे यदि हम लोग ब्रेक को अप्लाई करते हैं, यहीं पे हम लोग ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो मशीन अगर 21 मीटर के डिस्टेंस में ही रुक जाती है, यानी कि यहाँ से वो 21 मीटर के डिस्टेंस में रुक जाती है, तो उसका जो हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्विस ब्रेक है वो काम कर रहा है, उसका सर्विस ब्रेक वो अच्छा है। वही अगर मशीन वो 21 मीटर के बाद रोकता है तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा सर्विस ब्रेक है वो फेल हो गया है। नेक्स्ट है आपका पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक का यूज़ हम लोग, मैंने आपको बताया कि पार्किंग के समय हम लोग करते हैं। दोस्तों पार्किंग ब्रेक का जो टेस्टिंग होता है वो हम लोग 15 डिग्री के रैंप पे इस मशीन को हम लोग प्लेस कर देते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मशीन है उसको पूरा तरीक़ा से लोड कर देते हैं। लोड करवाने के बाद इसको हम लोग रैंप आप जानते होंगे कि ओपन कास्ट माइंस में रैंप का यूज़ होता है। रैंप क्या करता है कि दो रोडवे को कनेक्ट करने का आपका मेनली काम करता है रैंप। तो इस रैंप का, वैसा रैंप जिसका एंगल 15 डिग्री तक हो, तो उस रैंप पे हम लोग इस मशीन को प्लेस कर देते हैं और वहाँ पे हम लोग 10 मिनट के लिए आपका पार्किंग ब्रेक लगा के रखते हैं। यदि ये जो मशीन है उसका मूवमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग समझेंगे कि इस मशीन का जो पार्किंग ब्रेक है वो काम कर रहा है। वहीं अगर मशीन का मूवमेंट होने लगेगा तो हम लोग समझेंगे कि इसका पार्किंग ब्रेक वो फेल कर गया है। तो आपने समझा कि ब्रेक्स को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके स्लाइड्स पे हम लोग चलते हैं और डंफर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स ऑफ डंफर लिखा हुआ है, तो हम लोग समझते हैं कि डंफर कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके और भी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मशीन है वो बेसिकली एक आपका ट्रांसपोर्टेशन मशीन है। इस मशीन में को लोड करने के लिए हम लोग बेसिकली या तो सोवेल या तो पेलोडर का यूज़ करते हैं। सोवेल के बारे में नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग समझेंगे, जिसमें कि हम लोग इसके बहुत सारे टाइप्स को देखने वाले हैं। और ये जो डंफर्स होते हैं उसको हम लोग सोवेल के बकेट के साइज़ के अनुसार ही चूज़ करते हैं।
दोस्तों, सोवेल का जो बकेट साइज है वो यदि बड़ा होगा तो वो जल्दी ही डंफर को फील कर पाएगा। इसलिए उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा डंफर का जो साइज होता है वो हम लोग सोवेल के बकेट के साइज पे ही वो डिपेंड करता है। उसी के अनुसार हम लोग चूज़ करते हैं कि हमारा जो डंफर का साइज है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों, यदि जो सोवेल का बकेट कैपेसिटी वो 15 मीटर क्यूब होता है तो उस कंडीशन में हम लोग 120 टन का कैपेसिटी का डंफर का यूज़ करते हैं। वहीं अगर सोवेल के बकेट कैपेसिटी वो 20 मीटर क्यूब होता है तो उस कंडीशन में हम लोग 170 टन तक के कैपेसिटी का बड़े साइज़ का डंफर को हम लोग यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इन द हाइड्रोलिक सिलेंडर, मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन है वो बेसिकली इस मशीन का जो डाला होता है उसको उठाने के लिए हम लोग को होइस्ट रैंप लगा होता है। होइस्ट रैंप में बेसिकली वो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं जिसमें कि आपका ऑयल, जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो फिल होता है और साथ ही साथ उसमें एयर प्रेशर होता है। और एयर प्रेशर के रूप में आपका मेनली नाइट्रोजन गैस उसमें फिल होता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि वो जो ऑयल है उसके अंदर में, हाइड्रोलिक के अंदर में, उसको प्रेशराइज रखने का काम आपका मेनली नाइट्रोजन गैस करता है। दोस्तों, ये जो डंफर आपने देखा, वो जो डंफर है उसका बॉडी वो आपका लगभग 70 डिग्री के एंगल पे वो उठ सकता है। उतना डिग्री के एंगल पे वो बॉडी उठ पाता है। ये जो डाला आपने देखा है यहाँ पे, अगर हम लोग डाला को उठा देते हैं तो मेनली इसका जो इंक्लिनेशन है वो आपका 70 डिग्री तक का होता है। और मैंने आपको बताया कि इसके पहले कि ये जो टायर्स होते हैं वो आपका ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। और भी नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपने समझा कि डंफर क्या होता है। दोस्तों, डंफर आप ओपन कास्ट माइंस, ऐसा ओपन कास्ट माइंस नहीं होगा जिसमें कि आपने डंफर्स का प्रयोग होते नहीं देखा होगा। बेसिकली ये जो डंफर्स होते हैं वो उसको हर ओपन कास्ट माइंस में धड़ल्ले से यूज होता है और इसका काफ़ी लार्ज नंबर पे इसका यूज़ होता है। और बेसिकली डंपर का जो आप बोल लीजिए कि ये डंपर एक ट्रांसपोर्टेशन मशीन होती है जिसमें कि सोवेल के हेल्प से इसका जो बॉडी है उसको फिल किया जाता है, या तो सोवेल या तो पेलोडर के हेल्प से इसके बॉडी को फिल किया जाता है। और जब बॉडी इसका फिल हो जाता है तो उसको वो या तो कोल हैंडलिंग प्लांट में डिस्चार्ज करेगा या तो वो ओवरबर्डन डंप में डिस्चार्ज कर देगा। तो यहाँ तक आपने डंफर के बारे में, रिगार्डिंग आपने डंफर के बारे में समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाने का कोशिश किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड्स पर चलते हैं जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट CIL के जो सब्सिडरी एग्ज़ाम में पूछे गए डंफर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने DGMS सर्कुलर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ डंपर ऑन होल रोड ऑफ डंप यार्ड। यानी कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो होल रोड होता है उसका बारे में आपने तो जानते होंगे कि हॉट रोड क्या होता है। उसमें बेसिकली आपका जो मशीनरी है वो उसमें मूव करती है, साथ ही साथ डंप यार्ड तक पहुंचने के लिए भी एक हॉट रोड होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डंप यार्ड पे जो आपका डंफर लगा होगा, जो तो उस डंफर का स्पीड, वो मैक्सिमम स्पीड डंप यार्ड में कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन में कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका 25 किलोमीटर है, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डंपर है उसका मैक्सिमम स्पीड डंप यार्ड पे होता है। उससे ज़्यादा वो जो डंपर है उसका स्पीड वो वहाँ पे डंप यार्ड में नहीं कर सकता, ऐसा DGMS सर्कुलर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम डंफर स्पीड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू। ये भी क्वेश्चन आपका DGMS सर्कुलर का है कि यहाँ पे कह रहा है कि डंफर का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा और उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। तो
ऑप्शन आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उस जो डंपर होता है उसका मैक्सिमम स्पीड होता है और इस स्पीड से वो ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता, ऐसा DGMA सर्कुलर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, यहाँ पे आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गियर इज यूज्ड इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ डंपर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि डंपर में होस्ट HOI होस्ट रैंप लगा होता है। होस्ट रैंप बेसिकली आपका क्या करता है कि ये जो डंपर का जो डाला होता है उसको उठा देता है, ताकि जो डंपर में लोड किया गया कुछ या तो कोल या तो ओवरबर्डन है उसको वो डिस्चार्ज कर सके, अनलोड कर सके। तो बेसिकली होस्ट रैम का वही काम होता है कि बड़ी डाला को उठाना। ये जो होस्ट रैम होता है उसमें बेसिकली आपका सिलेंडर्स लगे होते हैं, मैंने आपको बताया कि, और उस सिलेंडर्स में मेनली आपका ऑयल और एज वेल एज आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर के रूप में ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, मेनली उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है। जो आपका ऑयल होता है उसको वो प्रेशराइज्ड रखने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, विच गैस इज यूज्ड इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ डंपर, कि सस्पेंशन सिस्टम के डंपर में कौन से गैस का यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोक्सीमिटी वार्निंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन आपका अलर्टिंग द ऑपरेटर टू यूज सीट बेल्ट, ऑप्शन बी अलर्टिंग द ऑपरेटर ड्यूरिंग रिवर्सिंग, ऑप्शन सी अलर्टिंग द ऑपरेटर फॉर एनी अप्रोचिंग व्हीकल्स ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी विजिबिलिटी ऑफ डंपर। तो मैं अगर प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस के बारे में बात करूं तो यह एक बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो भी आपके ये जो आपका मशीन है वो, यदि ये आपका एक मशीन हो गया और यहाँ पे एक मैं और मशीन बनाता हूँ, जब ये दोनों मशीन आपस में, सपोज़ ये जो मशीन है ये मशीन वो आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे पीछे ये भी मशीन आ रही है, तो मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये मशीन का स्पीड ज़्यादा हो और ये मशीन का स्पीड कम हो, तो क्या होगा कि ये मशीन इस मशीन को कोलाइड कर सकता है, ठक्कर मार सकता है। तो उसके बचाव के लिए साथ ही साथ यदि इस मशीन के आगे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको वो टक्कर मार सकता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन से वो टकरा सकता है। उसके बचाव के लिए बेसिकली आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस लगा होता है, जो कि ऑपरेटर को सूचित कर देता है कि आपके आगे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई भी अप्रोचिंग व्हीकल्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अलर्टिंग द ऑपरेटर फॉर एनी अप्रोचिंग व्हीकल्स ऑब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका, दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग डंपर का वो पूरा तरीका से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डंपर, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट वो डंपर के रिगार्डिंग सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, बॉडी स्विंग्स फ्रॉम इट्स हॉरिजेंटल पोजिशन अराउंड द फल्क्रम ऑफ नियरली 70 डिग्री टू डंप मटेरियल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी होता है वो नियरली आपका 70 डिग्री के एंगल पे उड़ जाता है और वहाँ पे वो डंप कर देता है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है अकॉर्डिंग टू डंपर। सेकंड है आपका, फिटेड विथ ट्यूबलेस टायर, मैंने आपको बताया कि ये जो इसके जो टायर्स होते हैं वो ट्यूबलेस टाइप के टायर्स होते हैं और ये हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं। थर्ड है आपका ऑप्शन सी, व्हील ऑफ डंपर हैव डिफरेंशियल सिस्टम, मैंने आपको डिफरेंशियल सिस्टम के बारे में भी बताया कि कोई भी कर्व में जब मूव करने के लिए ये क्या करता है कि बेसिकली जो डंपर का टायर्स होते हैं उसको अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करता है ताकि कर्व में इजीली ये डंपर टर्न कर पाए। व्हील ऑफ डंपर हैव डिफरेंशियल सिस्टम विच परमिट द इनर एंड आउटर व्हील्स
टू रन एट डिफरेंट स्पीड वाइल नेगोशिएटिंग अ कर्व। तो और ऑप्शन डी है आपका, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। दोस्तों यदि आप फिगर के माध्यम से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हो तो वो बेसिकली आपको ज़्यादा दिनों तक याद रह पाता है और उसको आपको समझने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, इन व्हाट फेज सर्विस ब्रेक शुड बी टेस्टेड। मैंने आपको सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में तो समझाया हूँ, तो उसका आंसर आप देने का कोशिश करो। सबसे पहला ऑप्शन है कि व्हाइल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड द व्हीकल्स मस्ट स्टॉप विद इन 21 मीटर। ऑप्शन बी है, लोडेड डंपर मस्ट बी केप्ट स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट 15 डिग्री रैंप फॉर एटलीस्ट 10 मीटर। ऑप्शन सी है आपका, डंपर मस्ट स्टॉप इमिडिएटली आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। ऑप्शन डी है आपका, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सर्विस ब्रेक्स जो होता है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को 30 किलोमीटर की स्पीड में रन करवाते हैं और सडनली हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। यदि जो मशीन है वो 21 मीटर के दायरे में रुक जाती है तो उसको हम लोग समझते हैं कि सर्विस ब्रेक उसका काम कर रहा है। और यदि वही मशीन का जो स्पीड से है वो आपका 30 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा है और वहीं ब्रेक्स मारता है, तो यदि वो जो डंपर है वो 21 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस में रुकता है तो हम लोग समझते हैं कि जो मशीन का सर्विस ब्रेक है वो फेल हो गया, कोई काम नहीं कर रहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, व्हाइल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड द व्हीकल्स मस्ट स्टॉप विद इन 21 मीटर। जो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका बेसिकली ये आपका पार्किंग ब्रेक को शो कर रहा है, पार्किंग ब्रेक टेस्टिंग को शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि पार्किंग ब्रेक्स का हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो 15 डिग्री रैंप पे मशीन को लोडेड जो डंपर्स होते हैं उसको वहाँ पे कैप्ट कर देते हैं। कैप्ट करने के बाद उसमें हम लोग जो ब्रेक्स होता है उसको अप्लाई करते हैं। यदि मशीन का जो मूवमेंट है वो 10 मिनट तक एक भी मूवमेंट नहीं होता, कोई भी हिल डोल नहीं होता, तो हम लोग समझते हैं कि पार्किंग ब्रेक हमारा काम कर रहा है। इस तरह से पार्किंग ब्रेक और सर्विस ब्रेक को टेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका NCL जूनियर ओबरमैन 2018 का जो क्वेश्चन है उसमें आया हुआ, ये आपके NCL जो CIL का सब्सिडरी है उसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको आप लोग समझें। सेफ्टी फीचर्स इन अ डंफर इज, ऑप्शन आपका रियर व्यू मिरर, बी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑप्शन सी AVA जिसको हम लोग ऑडियो विजुअल अलार्म कर रहे हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सेफ्टी फीचर्स डंफर में क्या क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। इसमें आपका डंफर में रियर व्यू मिरर होता है, साथ ही साथ उसमें आपका ब्लाइंडेड स्पॉट मिरर भी होता है, इसमें आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगा होता है, ऑडियो विजुअल अलार्म भी होता है। तो रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AVA ऑडियो विजुअल अलार्म इज यूज्ड इन, ये भी क्वेश्चन आपका NCL जूनियर ओबरमैन में पूछा गया है, जो आपका रेगुलेशन 97 का सब रेगुलेशन 5 से पूछा गया है। तो पूछा गया है कि AVA इज यूज्ड इन, ऑप्शन आपका बेल्ट कन्वेयर, ऑप्शन बी व्हीकल्स यूज्ड इन माइंस, ऑप्शन सी क्रशर, ऑप्शन डी रेस्ट शेल्टर, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ई होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोस्तों ऑडियो विजुअल अलार्म का यूज़ आपका मेनली व्हीकल्स में तो होता ही हो, साथ ही साथ उसको हम लोग बेल्ट कन्वेयर के रूप में भी हम लोग बेल्ट कन्वेयर में भी हम लोग AVA का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग डंपर। तो हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन में लिखा गया है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड डैश एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स, ये भी क्वेश्चन आपका जूनियर ओवरमैन में पूछा गया है 2018 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स, ए आपका एक्सकेवेटर, ऑप्शन बी वाटर टैंक्स, ऑप्शन सी ड्रिलिंग ऑफ इक्विपमेंट, ऑप्शन डी डंफर और ट्रिपर। तो आपने देखा कि डंफर में क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है,
तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी डंफर या फिर ट्रिपर होगा। तो ये सभी थे आपके रिगार्डिंग डंफर के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई भी टॉपिक्स में डाउट्स है तो आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे धड़ल्ले से शेयर भी करें, ताकि हम लोग को आगे वीडियो बनाने में सहूलियत हो और हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।